अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां राजपूत कर्णी सेना के राजस्थान अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में दिन दहाड़े हत्या से पूरा राजपूत समाज में आक्रोशित है और आज राजस्थान बंद किया गया है, जिसका मिलाजुला असर भी दिखाई दे रहा है। राजपूत समाज आवाहन पर सुबह से ही शहर के सभी काफी बाजार पूर्णतः बंद दिखाई दे रहे हैं। बंद का मिलाजुला असर है, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक गतिविधियां यहां बंद दिखाई दे रही हैं। बंद को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं गोगामेड़ी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि राजस्थान में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो आपको बता दें कि कई शहरों में बंद कर दिया गया है, राजस्थान में कई शहरों को बंद कर दिया गया है। दो शूटर्स अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन अभी भी किया जा रहा है। जगह जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोनिया कौशिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी सोनिया जी, बताएं कि राजस्थान बंद का आह्वान कर दिया गया है, कैसा असर देखा जा रहा है इसका? मैम, इसका असर जो है बड़ा खतरनाक हो चुका है। इस टाइम एडीजीपी दिनेश हेमन को भी बुलाया गया है यहाँ पे, वो मौके वारदात जहाँ हुई थी वहां पे पहुंचे हैं और अभी जहाँ डेड बॉडी रखी हुई है उनकी मेट्रोमास हॉस्पिटल में, वहां पे पहुंच रहे हैं अभी 10-5 मिनट में जी। और वहाँ पे काफी बीजेपी के एमएलए हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे पहुंचे हैं रात को, कभी और भी आ रहे हैं। और राजस्थान पूरा इस टाइम बंद किया गया है मैम। राजस्थान के मतलब काफी जगहों पे काफी शोर शराबा हल्ला गुल्ला ऐसी चीजें भी हो चुकी है। डेड बॉडी वहाँ पे अभी रखी हुई है, इनकी जो डिमांड है वो जब तक पूरी नहीं होगी डेड बॉडी को वो नहीं उठाएंगे जी। सोनिया जी, कार्यालय में जाकर उनकी हत्या की गई है, क्या कारण हो सकता है इसका? मैम, कार्यालय में जाकर उनकी हत्या की थी और इस टाइम से पहले भी उनको 6 महीने पहले से ही उनको लगातार फोन पे धमकियां आ रही थी कि मारने की, और उसके बाद वो वहां पे गए हैं। इन्होंने लगातार पुलिस प्रशासन में अपना जो इनके पास फोन वगैरह आए थे उनका इन्होंने बिलीव किया था कि हम मुझे मारने की धमकी आ रही है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना इनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम किया जी। क्योंकि पहले भी धमकियों भरा कॉल इन्हें आ रहा था, तो क्या किसी प्रकार की पुलिस ने कोई व्यवस्था इसके लिए नहीं की थी? क्या उनके लिए सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? नहीं, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। इन्होंने बराबर कंटिन्यू लेटर अपनी जो थी प्रॉब्लम वो प्रशासन को जाके बताई थी और प्रॉपर इन्होंने गहलोत साहब को भी एप्लीकेशन वगैरह दी, उसके बाद इनके कोई इंतजाम नहीं है सुरक्षा के। अभी इनके गनमैन जो थे उनके भी गोली लगी है, जो इनसे मिलवाने के लिए उन दो लोगों को लेके आया था उनके भी गोली लगी है, उसकी भी डेथ हो चुकी है। गनमैन अभी जिंदा है इनका और दो लोगों की डेथ हो गई, 3 लोग टोटल आए थे इनके पास मिलने के लिए जी। सोनिया जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता रहे हैं, जयपुर में जगह जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और जयपुर राजस्थान बंद का आह्वान कर दिया गया है। गोगामेड़ी हत्याकांड के विरोध में आज राजस्थान बंद कर दिया गया है। जैसा कि हमारी संवाददाता ने बताया कि पहले भी उन्हें धमकी भरे कॉल्स मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक बड़ी गलती के वजह से ये हत्याकांड हो गया है और राजस्थान बंद का आह्वान अब कर दिया गया है। जगह जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं और विरोध में कई जगह पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों